सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोमित्रम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। नए साल 2018 में शनि से प्रभावित रहेगी पांच राशियां। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोमित्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों हम आपको बता रहे हैं कि ये पांच राशियां 2018 में शनि से प्रभावित रहेगी। 26 अक्टूबर 2017 से शनि ने धनु राशि में प्रवेश किया है। शनि अनुराधा ज्येष्ठा एवं मूल आदि नक्षत्रों में गतिचार करेंगे। शनि के राशि परिवर्तन की स्थिति के अनुसार साढ़े साती एवं अढ़ैया का प्रभाव इन पांच राशियों के ऊपर रहेगा। सबसे पहली राशि है वृश्चिक राशि। इस राशि पर उतरती हुई साढ़े साती पैर पर चांदी के पाए पर रहेगी, जिसके कारण इस राशि वालों को व्यापार में तो वृद्धि होगी लेकिन प्रशासन की ओर से चिंता रहेगी, राजकीय भय इनको सताएगा। दूसरी राशि है धनु राशि। इस राशि पर शनि की साढ़े साती का प्रभाव लोहे के पाए से रहेगा, जो कि हृदय पर रहेगा, जिससे रक्त पित्त विकार, पत्नी की चिंता, गलत निर्णय से कुछ हानि और क्लेश संभव है। इसके बाद तीसरी राशि आती है मकर राशि। इस राशि को शनि की साढ़े साती का प्रभाव तांबे के पाए से सिर पर रहेगा, जिससे आर्थिक धन समृद्धि, मित्रों से मतभेद, चोट चपेट एवं वाहन का भय इनको बना रहेगा। इसके बाद दो राशि है जिनको अढ़ैया शनि रहेंगे। पहली राशि है वृषभ राशि। इस राशि वालों को अढ़ैया शनि का प्रभाव होगा एवं अधिक परिश्रम इनको करना पड़ेगा। भाई बंधुओं से विरोध रहेगा, पारिवारिक चिंता रहेगी, शत्रु भय इनको सताएगा। इसके बाद अगली राशि जिसको अढ़ैया रहेगा वो होगी कन्या राशि। कन्या राशि वालों को इस साल अढ़ैया शनि का प्रभाव बना रहेगा, शासन से लाभ प्राप्त होगा, राजकीय क्षेत्र में मान सम्मान और प्रतिष्ठा इनकी बढ़ने वाली है, लेकिन चिंताओं से मन इनका व्याकुल रहेगा। उपरोक्त जो राशियां हमने आपको बताई हैं ये 2018 में पूरी तरह से प्रभावित रहेगी और ये प्रभाव लगातार 23 जनवरी 2020 तक इस राशि वालों के ऊपर बना रहेगा, क्योंकि 23 जनवरी 2020 से ही शनि का राशि परिवर्तन होगा। तब तक ये पांच राशियां शनि से प्रभावित रहेगी। उपरोक्त शनि का विचार गोचर ग्रहों के आधार से है। फल का जो पूर्ण निर्णय है वो जन्मकालीन ग्रहों के आधार पर करना अनिवार्य है। जिनकी जन्म कुंडली में शनि देवता शुभ फल प्रदान करते हैं अथवा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा जिनकी शुभ चल रही है उनके लिए शनि का अशुभ फल कम हो सकता है। जन्म कुंडली में शनि की अशुभ ग्रहों से युक्त अशुभ स्थानों में हो तो साढ़े साती और अढ़ैया शनि चिंता, पीड़ा, धन हानि, कार्यों में विघ्न और नष्ट फलदायक होते हैं। शनि के अनिष्ट फल के निवारणार्थ अपना मुंह तेल में देख करके शनिवार के दिन दान करना चाहिए, शनि मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम शम शनेश्चराय नमः। हवन पूजन और हनुमान जी की आराधना करने से शनिदेव विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। तो आप हनुमान जी की भक्ति करें, उनके मंत्रों का जाप करें और हनुमान जी का प्रतिदिन पूजन दर्शन करने से शनि का प्रभाव आपके ऊपर कम हो सकेगा। तो मित्रों शनि देवता न्यायाधीश है, आप अच्छा कर्म करें, अच्छा फल आपको अवश्य ही प्रदान करेंगे। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।